नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। लगातार हो रही बारिश के चलते बीनागंज के आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बीनागंज के बाईपास के किनारे खतौली के किसानों के खेतों को तालाब का रूप दे दिया गया है। फोर लेन के निर्माण कंपनी द्वारा सड़क में पाइप न डालने की लापरवाही से किसानों की सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहीं गोया रोड पर नाला बंद होने से पानी की निकासी न होने के कारण कॉलोनियां भी जलमग्न हो चुकी है। घरों में पानी घुसने से खाने पीने का सामान बर्बाद हो गया है, जिससे यहाँ के रहवासियों का जीवन यापन करना बड़ा कठिनाई पूर्ण हो गया है। बीनागंज से हमारे सहयोगी आरके शर्मा की रिपोर्ट। जनपद पंचायत आरोन कार्यालय लगा रहा है प्रधानमंत्री के स्वच्छता भारत मिशन को खुलेआम चूना। हम बात कर रहे हैं आरोन जनपद पंचायत कार्यालय की, जहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। साथ ही हर कहीं विद्युत की तारें भी लटकती नजर आती हैं। बहुत सी जगह तो सिगरेट की डब्बियां ऐसे पड़ी हैं जैसे मानो कोई पान की दुकान हो। जहां एक और सरकार स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा रही है, लेकिन अधिकारी इस पर अमल ही नहीं कर रहे हैं। पान की पिचकारियां देखने को हर जगह मिल जाएंगी, मानो दीवार पर कोई ने चित्रकारी कर रखी हो। जनपद कार्यालय की सफाई को लेकर भी अनियमितताएं देखी जा रही हैं। वहीं विकलांगों को देने वाली सरकार की तरफ से जो साइकिलें आई थी, वे भी कबाड़ खाने में धूल खा रही हैं। आरोन नगर में पानी की बहुत ही किल्लत है। इसके विपरीत जनपद पंचायत कार्यालय में नल हमेशा खराब पड़े रहते हैं, जिनसे पानी व्यर्थ ही बहता नजर आता है। अधिकारियों से जब कैमरे से बात करना चाहिए तो अधिकारी कैमरे के आगे आने में भी कतराते नजर आए। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। कई दिनों से चली आ रही तैयारियों के बाद आखिर किसान महासभा कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। साथ ही पहुंचे प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया। हेलो, अन्य निर्माण कार्य हैं लोक निर्माण विभाग के, पीएचई के 15 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हैं लोक निर्माण विभाग के, भवन निर्माण का निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के 8 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिना के भवन की 12 करोड़ रुपए के निर्माण के इतने सारे निर्माण। राष्ट्रीय संकल्प योगी जी तैयार है, मैं आपसे नंबर दाता का अनुरोध करूंगा, कोई अपनी लैंड नहीं ले रहे, अब कोई समस्या नहीं है, आप जल्दी दिल्ली आइए और इस एग्रीमेंट पर आप और योगी जी साइन करिए। मैं तुरंत वर्ल्ड बैंक एडीबी के साथ बात करके पैसा मंजूर करके इसी साल दिसंबर तक एक परियोजना को शुरू करके बुंदेलखंड के पिछड़े हुए क्षेत्र को न्याय देना चाहिए, इस बात के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ। आपके मन में भी ये काम करने की इच्छा है, आप दिल्ली आकर इस योजना को, इस एग्रीमेंट को मंजूर।
मंजूरी दीजिए, यही आपसे अनुरोध करता हूँ। और आपने मंजूरी देने के बाद 6 महीने के अंदर मैं इस परियोजना का काम शुरू कर दूंगा। जो 44,000 की परियोजना है, जो मुझे किसान करके थे, तस्वीर को बदलने के लिए आपके साथ खड़ा है, इस बात की मुझे खुशी है। और मेरा विश्वास है कि आपके हाथों से ये विमान राज्य एक समय जिसका नाम था पिछड़ा हुआ राज्य, जिसकी को नौकरी था, तो मध्य प्रदेश एक औद्योगिक कृषि विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिजली में, रोजगार में हिंदुस्तान का प्रगतिशील समृद्ध संपन्न राज्य बनेगा। सुखी समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना पूरा करने में आपको पूरी मदद करेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कांग्रेस का जमाना भी हमने देखा है। आज मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, बताओ मेरे गुना जिले के बहनों और भाइयों, कांग्रेस के जमाने में कभी ऐसी सड़कें बनी थी क्या? जोर से बोल के बताएं, ऐसी सड़कें कभी बनी थी क्या? अरे आज एक दिन ये जनता गवाह है, माननीय गडकरी जी आज गडकरी जी 17,000 करोड़ रुपए की सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास मध्य प्रदेश की धरती पर हो रहा है। 17,000 करोड़ से ज्यादा की सड़कों का पूरे मध्य प्रदेश की सड़कें बदल रही है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, कल परसों कमलनाथ जी ने अखबार में बयान दिया कि शिवराज सिंह जवाब दे, मैं हिसाब मांगता हूं कांग्रेस के लोगों से। बजट तुम्हारे पास भी होता था, पैसा तुम्हारे पास भी होता था, तुमने सड़कें क्यों नहीं बनाई? ये गुना और शिवपुरी की सड़क माननीय गडकरी जी, हालत ये हो गई थी कि गड्ढों में सड़क थी, कि सड़क में गड्ढा था, कि गड्ढे में गड्ढा था, यही पता नहीं चलता था। कई जगह उस जमाने में सड़क के गड्ढों में धान बोली थी जनता ने। ये हालत कांग्रेस के जमाने में हो गई थी, जब कमलनाथ मंत्री हुआ करते थे, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री हुआ करते थे, तो मध्य प्रदेश की सड़कें पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। इसके मित्र जाति सुन रहे हो, मुझे सुन ले। मैंने अमेरिका में जाकर कहा था कि अमेरिका से अच्छी सड़कें तो अब हमने मध्य प्रदेश में बनाई है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो गडकरी जी बना रहे हैं, मैं आज दावे के साथ कहता हूं अमेरिका की सड़कों से अच्छा है, अमेरिका से पीछे नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लोग गुलाम मानसिकता वाले, उनको लगता ही नहीं कि भारत में भी कुछ अच्छा हो सकता है। उनको हमेशा लगता है कि अमेरिका अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अपने देश से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। आज सड़कें बन रही है, आज बिजली आ रही है। बताओ मेरे बहनों भाई, आप सब हजारों की तादाद में बैठे, जितनी बिजली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी कभी कांग्रेस ने दी थी क्या? अरे जोर से बताओ, दी थी क्या? बिजली के पता नहीं रहते, आपकी कंपनी जाती ज्यादा थी। आज 2400 घंटे बिजली की सौगात की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। सिंचाई की व्यवस्था कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। एक जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरे मध्य प्रदेश पे एक लेबल लग जाता ठप्पा कि ये बीमारू मध्य प्रदेश है, बीमारू मध्य प्रदेश है। आज मैं गर्व से कहता हूं मध्य प्रदेश बीमारू नहीं है, हिंदुस्तान के नंबर एक का राज्य बना के दूंगा और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बना दूंगा। हम काम उसके लेकर रहेंगे। इतने सड़कों की व्यवस्था माननीय गडकरी
वहीं कार्यक्रम स्थल पर बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया भी पहुंचे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का कड़ा विरोध ही माइक पर कर डाला और बोले, मैं इस कार्यक्रम का विरोध करता हूं एवं बहिष्कार करता हूं, जिसे लेकर तुरंत ही वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वहां से हटा दिया। साथ ही थोड़ी बहुत धक्का मुक्की भी की गई। विधायक सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने को लेकर नाराज थे। वहीं उनका यह भी कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इस कार्ड में क्यों नहीं छापा गया, जबकि फोरलेन की सौगात देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे। मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूँ। 2012 में सांसद सिंधिया जी ने 4000 करोड़ की फोर लेन स्वीकृत कराई थी। आज उनके क्षेत्र में, उनके संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है और उनको आमंत्रित नहीं किया गया, जनता का पूरा अपमान किया है। मैं इसका बहिष्कार करता हूँ कार्यक्रम का और फैसला करता हूँ। वही कार्यक्रम स्थल पर भी कई लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कई दिनों की तैयारियों की पोल तो आज तब खुली जब लोग कार्यक्रम स्थल में अंदर जाने के लिए कीचड़ से भरे पानी में से निकलने को मजबूर थे, जिसकी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई थी। साथ ही कार्यक्रम को देरी से किया गया क्योंकि आखिरी तक सीटें नहीं भरी गई थी। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में करीब 2 घंटे देर से पहुंचे, जिसके चलते लोगों का मनोरंजन करने के लिए वहां पर नृत्य नाटिकाएं भी आयोजित की गईं। यहां पर भीड़ इकट्ठी करने के लिए तकरीबन 377 बसों का उपयोग किया गया, जिनके सहारे ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को यहां लाया गया। वही हमारी बात जब ग्रामीणों से हुई तो उन्होंने बताया कि उन्हें तो पता ही नहीं है क्या कार्यक्रम है। सरपंच और सचिव ने कहा था गाड़ी में बैठ जाओ, तो वो बैठकर आ गए। हालांकि उन्होंने कैमरे के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। गाड़ी कौन लगाई थी? उन्हें लगाया होगी जैसी सुबह। कितने लोग आए गांव के? 40-45 होंगे। अच्छा, जो प्रमाण पत्र बनेंगे एक गांव, कितने लोग हैं आप गांव से? नहीं, जिन्हें प्रमाण पत्र मिलना है फसल बीमा के, कितने लोग हैं आपके गांव के? 40-50 गांव में जिनको मिलना है कि नहीं है बीमा? जो ये करीब भरा था बीमा फार्म की बात बता रही है, फसल नष्ट हो गई। अबे भरिया, कुछ पता नहीं माए, कोई पता ही नहीं आया। क्या बोल के बुलाया आपको यहाँ पे? आपको क्या बोल के बुलाया यहाँ पर? किस लिए नहीं, आप लोग किस लिए आए? 70-80 आदमी नहीं, आप लोग यहाँ आज आए हो? कौन आ रहा है, कैसे आए आप लोग? समस्या वगैरह कोई? कोई समस्या ताला माला की समस्या है, इंदिरा आवास की समस्या है, तालाब की समस्या, जो पैसा कागज गड़बड़ाई नहीं दे, काम नहीं करवाया, पैसे हिड़वा के खाइए सरपंच लोग। अभी मैडम बनवा के लाया, आवेदन बना आज कुछ दोगे आवेदन? हाँ। अच्छा, कार्यक्रम में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात दिखी, वहीं पुलिस की मुस्तैदी भी काफी देखने को मिली, लेकिन अंत समय तक भी मंच पर कुछ ना कुछ काम बाकी ही रह गया था। तकरीबन 2 घंटे देरी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना भाषण देने के लिए उठे तो आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद मीडिया कर्मियों को आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया, हमें नियमितीकरण भी नहीं किया गया है। हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के सदस्य आर के चतुर्वेदी जी, हमारे लोकप्रिय सांसद राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय रोडमल नागर जी, गुना के लोकप्रिय विधायक पन्ना लाल साठी जी,
पंचायत बुरा के अध्यक्ष बहन अर्चना चौहान जी, नगर पालिका गुना के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष पाल जी, राजस्थान ठाकर जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और हजारों हजार की संख्या में उपस्थित 1000 करोड़ से ज्यादा की सरकार पूरे मध्यप्रदेश की सड़कें बदल रही है। मेरे कांग्रेस के मित्रों, कल परसों कमलनाथ जी ने अखबार में बयान दिया कि शिवराज सिंह जवाब में मैं हिसाब मांगता हूं कांग्रेस के लोगों से, बजट तुम्हारे पास भी होता था, वहीं कार्यक्रम स्थल पर भी भाजपा महिला मोर्चा की नेत्रियों ने भी आक्रोश व्यक्त किया एवं कार्यक्रम का विरोध किया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब उन्होंने अपना स्वागत करने के लिए मंच पर जाने लगे तो उन्हें जाने से रोक लिया गया, साथ ही वापस भी कर दिया गया। 15-20 महिला मगर बाजे खड़े होने का बोला, अतिथि को स्वागत करना है और खड़े रहे वहाँ, तो पुलिस वालों ने हमें कंटेनमेंट किया और ये लोग आए तो ये लोग हाथ मिला चले आए, तो हम महिला मोर्चा कैसे काम करेगा पार्टी में आप बताइए, तो हम लोगों को हम घर बैठेंगे हम काम नहीं करेंगे। तो आज आप भी विरोध कर रही हैं? हाँ बिल्कुल पक्का, हमारी पूरी महिला मोर्चा कर रही है, पूरा महिला मोर्चा विरोध कर रहा है आज, और अब करेगा भी। कब तक चलेगा ये आपका विरोध? कब तक चलेगा? जब तक हम लोगों का मान सम्मान नहीं मिलेगा। इस तरह से आज किसान महासम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को विरोधों का सामना भी करना पड़ा। लगातार देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानों का कहीं ना कहीं विरोध या कहीं ना कहीं बहिष्कार होता नजर आता है। ऐसा ही एक मामला सागर में भी देखने को मिला था, जब मुख्यमंत्री अपना भाषण दे रहे थे उसी समय सारी जनता वहां से उठ के चली गई थी। ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे मामा को कि इतना पैसा और इतनी सरकारी मशीनरी खड़ी करने के बाद भी लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी नहीं हो पाती है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जब ज्ञापन देने के लिए नितिन गडकरी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें पुलिसकर्मियों ने रोक लिया एवं गिरफ्तार कर सिटी कोतवाली ले आए, जिसके विरोध में कांग्रेसियों ने जमकर धरना दिया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेसियों ने पुलिस के विरोध में नारेबाजी की एवं पुलिस को कई तरह के अलंकारों से भी नवाजा गया। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी भी कराई। समझ से परे है कि क्या कोई मंत्री इतना बड़ा हो जाता है कि उसे कोई ज्ञापन नहीं दे सकता? क्या गलत किया था कांग्रेसियों ने जो उन्हें रोका गया ज्ञापन देने के लिए? दादागिरी
आज केंद्रीय मंत्री गडकरी जी यहाँ पर आए और सीएम साहब आए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी हैं, उनका नाम प्रोटोकॉल न मानते हुए सिंधिया जी का नाम उन्होंने अपने ना तो उसमें पत्थर पे लिखा है और ना कार्ड में छापा है। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध करती है, क्योंकि जो नियमानुसार जो नियम है कि प्रोटोकॉल में सांसद का नाम आवश्यक है, वो इन्होंने नहीं रखा है। ये बहुत छोटी मानसिकता और ओछी राजनीति, जिन प्रशासन के जिन लोगों ने भी ये किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझना चाहिए कि 4 महीने की इनकी सरकार है, 4 महीने बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, तब इनको मालूम पड़ेगा किस प्रकार दुर्भावनापूर्वक जो काम किया जाता है। और आदरणीय महाराज साहब की लोकप्रियता को जो इन बातों से कम नहीं कर सकते हैं, इन्हें जिन सारी बातों का ध्यान रखकर चलना चाहिए। इतने बड़े इस प्रशासन की कितनी बड़ी इसमें भूल हुई है, जबकि यहाँ से राजगढ़ के सांसद को तो यहाँ बुलाया गया है, जबकि क्षेत्रीय सांसद जिसके अंडर में 200 किलोमीटर सड़क है उसको जो जहाँ पर इस सड़क का जिसने शिलान्यास कराया, जो इसके लिए फंड लेके आया, आज उसका जो है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनको नहीं बुलाकर शहर का गुना की जनता का अपमान किया है, हम समझते हैं ये गुना शूटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लोगों का अपमान है। और इस अपमान के खिलाफ पूरे कांग्रेस जन आज एकजुट होकर उसको ज्ञापन देना चाहते थे गडकरी जी को, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ये हम लोगों को ज्ञापन देने से रोका है। डीजीएनए में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।